दोस्तों, अगर आपको ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जो अगले 100 साल तक चले, और आप ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ रहे हो जो कि 2022 में ट्रेंडिंग भी हो, नया भी हो, फ्रेश भी हो और हाई डिमांडिंग भी हो, और आप ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जो कि हाई प्रॉफिटेबल भी हो, जिसमें आपको सिर्फ एक पीस बेचकर आप 10,000 का नेट मुनाफा कमा सकते हो, नेट प्रॉफिट कमा सकते हो, क्या है ये बिजनेस मॉडल, क्या क्या इसमें रहने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, मैंने आपको वादा किया है कि आपके लिए मैं सही समय पर सही बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, जिससे कि जब भी आप कोई बिजनेस आप स्टार्ट करो तो आपको वो फ्यूचर में भी अच्छे खासे रिटर्न्स दे और प्रेजेंट में भी दे, जिससे कि आपको पता चले कि यार नहीं, फ्यूचर में इसकी डिमांड रहने वाली है, कितनी रहने वाली है। तो ऐसे ही मैं फ्यूचरिस्टिक बिजनेस और नया बिजनेस आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। हाय एवरीवन, मेरा नाम रहमान है, को-फाउंडर ऑफ मिस्टर ईवी। हमें अभी इधर एक नया बिजनेस मॉडल लेके आ गए, हाई डिमांड बिजनेस मॉडल। इससे आप लोग महीने को 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। महीने का 3 लाख, उतना डिमांड ज्यादा सप्लाई कम बिजनेस है ये। आपको पर डे 10,000 प्रॉफिट आएगा, और इससे लो बजट से आप ये कर सकते हैं, सिर्फ लो बजट से ही कर सकते हैं। और दोस्तों, आज जिस बिजनेस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, उसकी डिमांड क्यों है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और आज के समय में पेट्रोल और डीजल ने अराउंड 100 रुपीज को पार कर दिया है, और आगे ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि वो 140-150 रुपीज तक जाने वाले। और पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स की वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन भी होता है। इन सारे रीजंस और ये सारा जो मार्केट सिनारियो चल रहा है, उसकी वजह से ईवी व्हीकल्स का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बूम पे है, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो गई है। और दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो 2020 से लेकर 2022-21 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड है वो हर साल बढ़ती ही जा रही है, और उसकी जो सेल्स है वो भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उससे पता चलता है कि जितने ज्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आती जा रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहली बात इको फ्रेंडली होती है, कम बिजली में आपको ज़्यादा रेंज मिल जाती है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन भी नहीं होता है। और आगे आप देखोगे भी कि रास्ते में हर व्हीकल, हर गाड़ी, हर छोटी से छोटी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी इलेक्ट्रिक ही होने वाली। आपको ही पता है, आप न्यूज़ इतना देखते होंगे, हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जा रही है, जो भी स्टॉक मार्केट में भी जो भी हलचल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग भी अप डाउन होते रह रही है। तो सबको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर रहने वाला है। तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्रेंचाइजी लेते हो और आपके एरिया में बिजनेस शुरू करते हो, डीलरशिप लेते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और ऐसी अच्छी कंपनी और ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को ढूंढते ढूंढते मैं आ गया हूं मिस्टर ईवी से, रहमान सर से मिलने, जहां पर सर की जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है। और आज हमें सर पूरा डीलरशिप मॉडल एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैसे आप सर से जुड़कर एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। हेलो सर। हाय। हमें ये एक्चुअली मिस्टर ईवी एक स्टार्टअप कंपनी है। अच्छा। ये एक 1 ईयर एगो स्टार्ट करे, इसमें हमें इतना देर कहीं भी लगा कहते तो हमें मार्केट में आने, हमें इतना दिन इसमें रिसर्च करते हैं। अच्छा। हर एक गाड़ी हमें देख के ऑन रोड टेस्ट करे, सभी वेदर्स में टेस्टिंग करे। अच्छा। जो विंटर और समर सभी हीट कंडीशंस में हमें टेस्टिंग करे, इसलिए हमको ये 1 ईयर टाइम लगे हमको मार्केट में आने। अच्छा। हमें अभी ऑल इंडिया डीलर्स को इन्वाइट करते हैं। अच्छा। तो सभी सिटीज़ में हमारे डीलर्स नेटवर्क है सका। हमें अभी जो बिजनेस लेके आते हैं वो नेक्स्ट फ्यूचर है, वही तो नेक्स्ट फ्यूचर है। अभी ये पेट्रोल व्हीकल्स है ना, वो सभी अभी जाते, ये अभी तुम्हें देखे तो सपोज 1980s में गैस व्हीकल्स रहेगा, वो हल्का कम होके पेट्रोल व्हीकल्स आए 1980 से 2020 तक पेट्रोल व्हीकल्स है। अभी 2020 से 2040 तक तुम्हें देख ले, 2040-2060 तक देख ले तो सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाते। ऑलरेडी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे स्टेप्स लेके है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सामने ले जाने के लिए। अभी एक्चुअली तुम्हें वर्ल्ड वाइड देखे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चेंज हो गया सभी वर्ल्ड वाइड देख ले तो। अभी इंडिया का ही अभी बैलेंस है, इंडिया में भी अच्छा व्हीकल्स सेल्स होते हैं, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई तो कम है। अच्छा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हाँ। तो उसी सप्लाई की जो कमी है वो आपके शहर में आप ये फ्रेंचाइजी या फिर डीलरशिप लेकर पूरी कर सकते हो। जब आप डीलरशिप लेते हैं हमारे पास से आपको अलग अलग 4 मॉडल मिलते हैं, मेज, लॉर्ड, फ्लक्स, रोर, 4 मॉडल। ये हमारा मेज मॉडल है, ये थोड़ा शार्प लुक है, देखो ड्यूअल लाइट आएगा आपको, एलईडी लाइट, ड्यूअल एलईडी लाइट आएगा, हैम पे आपको की और इधर चार्जिंग पोर्ट मिलेगा इधर नीचे से। इसमें आपको अलग अलग कलर भी मिल जाएंगे, 5 डिफरेंट कलर्स आते हैं इसमें। कौन से कलर्स आते हैं इसमें? मिलते हैं ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्राउन और ऑरेंज भी मिलेगा। ये हमारा लॉर्ड मॉडल है, ये थोड़ा वेस्पा के कलर आपको प्रीमियम लुक मिलेगा। ये हमारा लॉक है और ये हमारा चार्जर पॉइंट है।
ये आपका एक गाड़ी देखो तो आप देखो कितना हैवी है, ये ऐसा नहीं दिखता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये पेट्रोल व्हीकल्स का दिखता है। ये हमारा गाड़ी का नाम है फ्लक्स। ये गाड़ी ये होंडा एक्टिवा सका अच्छा हैवी दिखेगा ये गाड़ी। और इसका ये लॉक है, लॉक सेट है इधर, और ये चार्जर है। ये हमारा रोड मॉडल है। ये मॉडल लेडीज़ के लिए कंफर्ट आएगा, ये थोड़ा शॉर्ट मॉडल है, लेडीज़ को अच्छा पसंद आएगा ये मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं लेट का लाइट, एलईडी लाइट, डिफरेंट एलईडी लाइट दिखाएगा। ये आपको इंडिया में कहाँ भी नहीं मिलेगा, वही मॉडल है। आपको जितने भी मॉडल्स दिखाए हैं इसमें अलग अलग कलर्स मिलेंगे, अराउंड आपको 5 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे इसमें। हर एक गाड़ी में भी हमारा लोगो और ब्रांडिंग और बैटरी सब कुछ आपको मिल जाएगा विद चार्जर। ये हमारे मॉडल्स है, लुक में एक एक डिफरेंट मॉडल्स है, लेकिन इसके फीचर्स हर एक उसमें सेम है। चलिए आपको मैं फ्यूचर्स बताऊंगा। जब आप डीलरशिप लेते हैं आपको बाइक के साथ एक स्मार्ट की लॉक आएगा, इससे आप गाड़ी ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐसा ही। और इसके साथ हमारे सभी मॉडल में एंटी थेफ्ट लॉक आएगा। जब चोरी करने जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस गाड़ी में से हवा जाने का शुरू होएगा, ऑटोमेटिक चोर भाग जाएगा इससे। बाइक के साथ आपको चार्जर भी मिलेगा, ये 5 एम्पीयर चार्जर, इससे आप 4 आवर्स में चार्जिंग कर सकते हैं। ये हमारी बैटरी है, अगर आप सपोज अपार्टमेंट में है तो आप ये बैटरी निकाल के घर पे भी चार्जिंग कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारा नीचे भी चार्जिंग का सॉकेट है, इससे भी आप डायरेक्ट से चार्ज कर सकते हैं। हमें ऐसे 5 एम्पीयर सॉकेट में आप सॉकेट लगा के इस बैटरी एसी चार्जर में तुम्हें बैटरी का चेक कर सकते हैं, कितना बैटरी में कितना चार्जिंग परसेंट है, सभी स्टेटस ये चार्जर में दिखेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा गाड़ी कैसे ऑन करते हैं। एक ऑन करते हैं, ओके, ये बैटरी परसेंटेज है, ये स्पीड है, ये रेडी, ये और ये कितना किलोमीटर चला है। और इधर हम ना देखो ये स्पीड मोड्स आते हैं, 1, 2, 3 स्पीड मोड्स है। ये स्पीड मोड्स क्या होता है सर? स्पीड मोड्स मतलब मोड 1 में 25 स्पीड में जाएगा गाड़ी, मोड 2 में 35 स्पीड जाएगा, मोड 3 में 55 स्पीड तक जाएगा। ओके, अगर हमें मोड 1 में जाके देख चलाते हैं, ओके 25 तक लिमिट रहेगी, 25 तक लिमिट आएगी। मोड 1, मोड 2, मोड 3 इसमें आप अलग अलग स्पीड जा सकते हैं, 25, 35, 55 स्पीड तक जा सकते हैं। इधर डी का तो ड्राइव मोड है, इससे आपका गाड़ी आगे जाएगा। ये आर का तो रिवर्स मोड, इससे आपका गाड़ी रिवर्स में जाएगा। ये है हमारा पार्किंग मोड, ये ऑन करने से सारे इंडिकेटर जल जाएंगे, सारे इंडिकेटर जैसे गाड़ियों में बड़ी-बड़ी गाड़ियों में होता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में होते हैं। ये है हमारा यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, इससे हमें मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हैं। ये है आपको है हॉर्न मिल जाएगा, ये अभी साइड इंडिकेटर्स है, ये फ्रंट लाइट है, डिम ऑफ डिप, ये लाइट का सिस्टम है, मीडियम ऑफ ऑन। आपको साइड स्टैंड मिल जाता है और एक मिडिल स्टैंड भी आपको मिल जाता है। आपको फ्रंट और बैक ट्यूबलेस टाइप्स मिलते हैं। आपको इधर मोबाइल या कुछ तो रखने के लिए आपको स्पेस मिलेगा, और डिक्की में भी आपको थोड़ा पेपर्स और रखने का स्पेस मिलेगा। अभी थोड़े मॉडल्स में ऐसा बैटरी दिखेगा, थोड़े मॉडल्स में बैटरी नहीं दिखेगा, स्पेस ज़्यादा आएगा। जैसे आप ये मॉडल में देखें तो आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, देखो बैटरी नहीं दिखेगा, ये मॉडल में स्पेस ज़्यादा मिलेगा। और थोड़े मॉडल में आपको फ्रंट भी थोड़ा स्टोरेज मिलेगा मोबाइल्स और रखने के लिए, और लॉक भी मिलेगा इसमें आपको, आप बिल्कुल ऐसा इसको बंद कर सकते हैं। तो सर सबसे मेन क्वेश्चन है कि कितने घंटे चार्जिंग में, कितने देर तक गाड़ी चलेगी ये गाड़ी? 4 घंटे चार्जिंग में 120 किलोमीटर चलेगा। ये जो चार्जिंग है तुम्हें आप घर पे भी कर सकते हैं या किसी चार्जिंग सॉकेट से भी कर सकते हैं। और सर एक गाड़ी का वेट कितना रहेगा और कितना लोड ये ले सकती है? एक गाड़ी का वेट रहेगा अराउंड 70 kgs रहेगा, और ये लोड अराउंड 250-300 kgs लोड लेगा, एकदम आराम से 3 नग में आराम से भी जा सकते हैं। तो सर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ईवी व्हीकल बना भी रहे हैं, और उनकी डीलरशिप भी है, फ्रेंचाइजी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो आपकी कंपनी से क्यों जुड़कर काम करना चाहिए, आपकी ही डीलरशिप क्यों लेनी चाहिए? एक्चुअली आप सर तुम्हें सपोज एक कंपनी का बड़ी कंपनी का डीलरशिप लेना कहे तो आपको इन्वेस्टमेंट 40 lakhs to 50 lakhs हो जाएगा, लेकिन ये हमारा डीलरशिप लेने के लिए सिर्फ आपको 10 lakh में आपको पूरा शोरूम सेटअप हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा अराउंड 10 lakhs, 10 lakhs में आपको 2 lakhs आपको डीलरशिप फी जाएगा, रिमेनिंग 8 lakhs को आपको 10 vehicles आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिफरेंट मॉडल्स आपको 10 vehicles आते हैं। अच्छा, 10 vehicles अलग अलग मॉडल्स के, अलग अलग मॉडल्स आते हैं। अच्छा, उससे टोटल 10 lakhs में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी एक्चुअल प्रेजेंट क्या है तो मार्केट में आने का व्हीकल्स बहुत छोटे हैं। एक्चुअल हमें इवन सीट पर भेज दो पामा में हमारे लेग्स भी हैंडल को लग जाने को उतना छोटे हैं, लेकिन हमारे ये व्हीकल्स है ना बहुत हैवी होते हैं, इवन यू टू पीपल भी बहुत कंफर्ट से जा सकते हैं व्हीकल्स में, वो हमारा एक यूनिक है। और हमारे डिज़ाइन है ना बहुत यूनिक एंड बहुत अट्रैक्टिव है, जो हमारे इंडियन कस्टमर्स को ये बहुत अच्छा राजी आते राजी पसंद हो पड़ते हैं।
अच्छा दिखेगा लुक पे। अभी एक्चुअली मार्केट में क्या है, अभी बैटरी कैपेसिटी कम दिए देते और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा था, अराउंड 35 AH बैटरी कैपेसिटी देखो विथ 120 किलोमीटर्स रेंज हमें कम प्राइस में दे डालते कस्टमर्स को। मतलब कम बजट में कस्टमर्स को हम लोग ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्यादा बैटरी कवरेज में ज्यादा रेंज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और सर जो शोरूम होता है, शोरूम के लिए शॉप लेनी पड़ेगी वगैरह, उसके बाद इंटीरियर होगा, वो भी फ्रेंचाइजी फी में आता है कि उसका अलग से होता है? उसका एक्चुअली हमें ओनली डिजाइन देते, इंटीरियर डीलर के ऊपर रहेगा सब कुछ खर्चा। डिजाइन हम लोग बेचते, खर्चा डीलर का रहेगा। सर मेन चीज रहेगी वारंटी और गारंटी की, तो आपकी तरफ से वारंटी गारंटी क्या रहेगी डीलर्स को? वारंटी आएगा 3 साल वारंटी बैटरी पर आएगा, 1 ईयर और मोटर पर आएगा, 6 मंथ्स चार्जर में आएगा वारंटी। जो भी डीलर का एंड कस्टमर रहेगा उनको कोई भी सर्विस में कोई प्रॉब्लम आया तो इमीडिएट 24 आवर्स में हमें वो सर्विस सॉल्व कर सकते, इवन वारंटी में है तो वो भी हमें सॉल्व कर सकते। आप आपकी तरफ से सर्विस इंजीनियर ट्रेन करके भेजोगे? हमें हमारी तरफ से सर्विस इंजीनियर को ट्रेन करके भेजेंगे। एक्चुअली डीलर आपको जब कस्टमर को सेल करता है ना, कस्टमर को 2 फ्री सर्विस आते हैं हमारी कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट 3 माह सर्विस से डीलर आपको उनका चार्ज भी ले सकता है, अराउंड 200 to 300 rupees सर्विस चार्ज रह सकता है। और सर मेन चीज आती है प्रॉफिट की, और सर डीलर को कितने में पड़ेगी ये गाड़ी, मतलब प्राइस रेंज कितना रहेगा? डीलर्स को 60,000 से 75,000 प्राइस रेंज में पड़ेगा गाड़ी। सारे मॉडल्स अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग प्राइस रहेगा, एक 5,000 to 6,000 डिफरेंस आता है एक एक गाड़ी को। और वो कितने में बेच सकता है आगे? वो बेच सकता है 75,000 to 85,000 to 90,000 तक डीलर बेच सकता है। एक गाड़ी में आराम से 10,000 to 15,000 प्रॉफिट आराम से आ जाएगा। अभी एक्चुअली मार्केट कंडीशन के देखे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आपको महीने कितना कम नहीं कहते, 30 व्हीकल्स सेल करे तो आपको महीने को 3 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा। डीलर हमसे जब जुड़ते हैं और काम करते हैं उसके बाद हमें उनको एक इंसेंटिव स्कीम है, एक महीने में 20 व्हीकल्स सेल करे तो 20,000 इंसेंटिव मिलेगा, 6 मंथ्स में 100 व्हीकल्स सेल करे तो 1 लाख मिलेगा इंसेंटिव, और 1 ईयर में 200 व्हीकल सेल करें तो 2 लाख इंसेंटिव मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरशिप लेनी है, फिर फ्रेंचाइजी लेनी है, तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप खुद यहाँ पे विजिट करके ये सारे व्हीकल्स का टेस्टिंग ले सकते हो, डेमो ले सकते हो, खुद राइड कर सकते हो, और उसके बाद फ्रेंचाइजी लेकर अपने शहर में बिजनेस शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच।